कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी की कथित बेनामी कंपनियों में 20,000 करोड़ के निवेश के सवाल को लेकर एक बार फिर से तीखा तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा है कि अडानी की कंपनियों में कथित बेनामी पैसे किसके हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं गुलाम नबी आजाद, सिंधिया, किरण रेड्डी, हेमंता बिस्वा सरमा और अनिल एंटनी पर भी निशाना साधा है। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार हमलावर रहे हैं। शनिवार को राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन नेताओं पर भी निशाना साधा है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। राहुल ने अडानी के नाम की स्पेलिंग के साथ उन नेताओं का भी नाम जोड़ दिया है और कहा है कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी के कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। राहुल गांधी के ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई है। इसमें अडानी के ए अक्षर के साथ गुलाम नबी आजाद, बी अक्षर के साथ सिंधिया, ए के साथ किरण रेड्डी, एन के साथ हेमंता बिस्वा सरमा और आई के साथ अनिल एंटनी लिखा गया है। राहुल गांधी के इसी ट्वीट को कांग्रेस नेता कन्हैया लाल ने भी रीट्वीट करते हुए कहा कि साहिब रख लें कितना भी मौन, बताना तो पड़ेगा वो आपके हैं कौन। सवाल आज भी वही है, अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं। बहरहाल राहुल गांधी का ताजा हमला ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने अडानी को लेकर अलग राय जाहिर की है। एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि ऐसा लगता है उनको टारगेट किया जा रहा है। शरद पवार ने यह भी कहा कि वह जेपीसी मांग के पक्ष में नहीं है। हालांकि बयान के सुर्खियों में आने के बाद शनिवार को पवार ने सफाई दी और बताया कि जेपीसी की जांच का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि जेपीसी के 21 सदस्यों में 15 सत्ताधारी पार्टी के होंगे, ऐसे में सच्चाई कहां सामने आ पाएगी।